उन्हें गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं। मौके से दूसरा राइडर साथ, जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ दूसरा राइडर वहां से भाग गया। वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूँ। तो गाइज आज भी मेरे पास प्रो राइडर से रिलेटेड बहुत सारी न्यू अपडेट्स हैं जिनसे ये केस 99.9% सॉल्व हो जाएगा। और गाइज पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। तो भाई पहली अपडेट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में बताया गया कि प्रो राइडर के फादर सेक्शन 304A के अंतर्गत FIR रजिस्टर कर चुके हैं। हिट एंड रन के केसेस में ज्यादातर यही सेक्शन लगाया जाता है और साथ ही सारे राइडर्स को पुलिस ने बुलाया भी है। पर अभी आमिर माजिद अपनी मदर की तबीयत खराब बोलकर पुलिस के पास जाने से बच रहे हैं, जिसके बाद अगस्त्या के फादर का कुछ ये कहना था। आमिर माजिद अपनी गाड़ी नहीं चला रहा है, बहाना बना रहा है कि मेरी मदर बीमार है, इन्होंने फोन किया उसे। चोरी तो भागता है। सेकेंडली अगस्त्या के फादर को पूरा यकीन है कि वहाँ किसी फोर व्हीलर ने अगस्त्या को हिट किया है, वरना वो बाइक डिसबैलेंस नहीं होती, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें रोड पर टायर के निशान बने हुए हैं और वो एक फोर व्हीलर के हैं और काफी गहरे हैं। खाली रोड में आदमी ब्रेक क्यों मारेगा? अंकल ये तो कार के निशान, कार के टायर है, कार है, कार के टायर है, जो खाली रोड में ब्रेक क्यों मारेगा? पर साथ ही आप अगस्त्या चौहान की बाइक को देखोगे तो बाइक के आगे का राइट साइड वाला हिस्सा बहुत डैमेज है, बाकी पूरी बाइक ठीक ठाक हालत में है। साथ ही बाइक का जो 360 कैमरा था उसके बारे में भी कुछ पता चला है। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहीं के लोकल लोगों में से किसी ने वो कैमरा चोरी किया है, जिसकी जानकारी वहां के ही पास के दुकानदार ने दी। वहीं पे गाड़ी में लगा हुआ था कैमरा, तुम्हें पता नहीं चला? जो इतने हम और दोस्तों को बुलाया था देखने के लिए, तो इतने में ऑटो ले गया। आप लोगों ने ढूंढा था वो कैमरा? ढूंढा, पुलिस ने बोला ढूंढने के लिए? आसपास नहीं, हमने नहीं ढूंढा, तो क्या पता, हमको तो यही लग रहा था कि ढूंढ के ले गया। आमिर माजिद जो कि अगस्त्या के क्लोज थे, एक अच्छे दोस्त थे, वो अगस्त्या के एक्सीडेंट वाले दिन क्यों अगस्त्या के पास नहीं पहुंचे, इस बात पर वीडियो के एंड में बात करेंगे। पर आमिर माजिद के ऊपर अगस्त्या के फादर का इतना पक्का शक क्यों है, इसकी वजह खुद आमिर माजिद ही हैं। ये क्लिप देखिए। 4-3.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पहुँच गया, वो कह रहा मैं हॉस्पिटल रूम, मुझे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। हो सकता है कि जो बंदा यहाँ रोड पे हो किसी से पूछ ले हॉस्पिटल कहाँ है और उसको हॉस्पिटल ना मिले, कोई दिखने वाली बात। और उसके मित्र जो थे वो कह रहा है मैं लोकेशन भेज दूँ तेरे पास आ जाते हैं, उनको उल्टा बोल के ये बोल रहा कि मैं नोएडा हूँ, मैं नोएडा और दूर जाता हूँ। साथ ही प्रो राइडर एक्सीडेंट के आई विटनेस भी मिल चुके हैं जो कि वहाँ उस दिन मौजूद थे। वहाँ जो आई विटनेस थे वो ऑटो रिक्शा वाले थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे इस केस का दूसरा पहलू निकल कर आया। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा तो उन्होंने ये कहा। टकराया किसी ना, अनबैलेंस हो गया था वो, यहाँ गाड़ी वाड़ी लगी हुई थी, फिर हाईवे वाले आ गए, फोन नंबर भी आ गई, कुछ नहीं था भैया, अगले वाला तो निकल गया, पिछले वाले का ही बैलेंस खराब हो गया। साथ ही प्रो राइडर का हेलमेट कैसे टूटा वो भी बताया। तो हेलमेट उतर गया था अपने आप? उतरो ना, फट गो हेलमेट, फट गया था ये भेजा निकल कर आ गया था निकल, हेलमेट गिरते ही फट गया था उसमें। हमें ये तो पता है आमिर माजिद तो स्पीड में थे, पर क्या प्रो राइडर भी स्पीड में थे, इस बात से भी पर्दा उठा। आराम चला रहे हो तुम, यहाँ सवारी देखते या कैसी देखते नहीं है, उन्होंने एकदम स्पीड बढ़ा दी गाड़ी ने, बढ़ा दी, अगले बार तो निकल गो, पिछले बार एक भी कहा आवाज हुई या गाड़ी बारे इधर चल लगे भैया, अभी तो गिरेगी गाड़ी, इसी दिन बढ़ा पाएगा। साथ ही बहुत सारी बातें डिटेल में बताई। तो वहाँ एक्सीडेंट उधर साइड हुआ जाके, वो जो गाड़ी जा रही ना, हाँ हाँ उसके ये अब फिलहाल जहाँ है ना वहाँ हुआ था। अच्छा, उतनी दूर हुआ जाके? तो लड़खड़ा यहाँ से गई थी, यहीं से बैलेंस बिगड़ गया था उसका। अच्छा जी, पहले आए ये 100 नंबर इधर से, 719 नंबर इनोवा, उसके बाद आए हाईवे वाले, एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी। अच्छा, ये बाद में एम्बुलेंस पहले आ गई है, उसके बाद में थाने से आए SHO वगैरह, SHO वगैरह निकाले हुए, वो अपने आंखों के सामने उस बॉडी को उठवा के लेके गए। कुछ लोग बोल रहे थे टक्कर मार के चला गया कोई, टक्कर मार के भी नहीं गया ना कोई, बस गाड़ी गाड़ी नहीं, और पीछे भी कोई नहीं थी? कोई नहीं, आगे पीछे तो कोई गाड़ी नहीं उनके, गाड़ी होती ना लौटते टाइम भी पता चल जाएगा किसी को, अगर कोई इंसान लौट के आ रहा है तो भी पता चल जाएगा ना जगह, अगर 1.5 घंटे के अंदर वो बंदा वापस आया होगा तो बिल्कुल पता चला होगा, अगर वो आया ही नहीं होगा तो पता नहीं वो नहीं आया ना, आया नहीं। तो तुम कितने टाइम तक थे यहाँ पे?
शाम तक थे तो। इनकी बात से एक सवाल उठता है, आमिर माजिद को दूसरी साइड से जाते हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था तो वो क्यों अगस्त्या के पास नहीं पहुंचे। एनीवेज सूरज वर्मा अगस्त्या चौहान के घर पहुंचे तो उनसे प्रो राइडर की फैमिली ने काफी सवाल जवाब किए, जिसमें से कुछ सवाल गौर करने वाले थे। पहला सवाल था, आप क्यों नहीं पहुंचे जब आपको पता चल गया था कि अगस्त्या का एक्सीडेंट हो चुका है। तो सूरज वर्मा ने ये कहा, जेवर पहुंचे, जेवर पे उन्होंने कहा जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा वही बताया कि लोकेशन क्या है, उन्होंने हमें लोकेशन तक नहीं बताई थी। आपको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस वजह से खड़ा हूँ, मेरे को क्या पता है, उसने बताया ही नहीं। और जब हम लोग जेवर में पूछ रहे हैं कहाँ हो कहाँ हो, तो ये लोग बता रहे हैं कि राजा और ये आमिर दोनों दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ अरे उसके घर वालों को बताएगा कुछ है क्या, कौन करेगा, नंबर किसके पास है, तो कह रहा आमिर बताएंगे। उसके 5 मिनट के बाद आमिर का फोन स्विच ऑफ, आमिर का फोन खुलता है सीधे 1 बजे जब वो होटल पहुंच जाता है। हम लोग को तो लोकेशन भी नहीं पता थी। फिर मैं हम दोनों वापस गए मेरे वहाँ फ्लैट में नोएडा में, वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि किससे मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल में, तो जहाँ अलीगढ़ के आसपास मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल करी कि भाई ये बता अगर यहाँ से 35 किलोमीटर के बीच में एक्सीडेंट होता है तो कहाँ जाएगा बंदा। तो उसने 5 मिनट के अंदर मेरे पास उसको मैसेज भी पड़ा है, उसने टोल पे कॉल करके पूछा, उसने कहा भाई कैलाश हॉस्पिटल है जहाँ पे जा सकते हैं, और अगर वहाँ से ट्रांसफर होता है सीधे नोएडा ही वादी। तो हम दोनों एकदम रेडी हुए, चलो कार से चलते हैं कैलाश हॉस्पिटल। ये लोग से फोन करा हमने कि कैलाश हॉस्पिटल, ये लोग क्योंकि अंदर की सिटी थी, हम लोग नोएडा के किनारे ही थे, तो हमने कहा हम लोग निकल रहे हैं तुम लोग आओ। उन्होंने कहा उनकी दीदी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा कि इसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। दूसरा सवाल था, सुनने में आया है वो शायद नशा भी करता है। इस बात पे वहाँ पर मौजूद सभी ने अपनी सहमति जताई। तीसरा सवाल था कि क्या आप लोगों पर पुलिस का फोन आया? आप लोगों को थाने से फोन आया है, पुलिस का फोन आया है आप लोगों को? मुझे बताओ दोनों जने दोनों को कॉल आया पुलिस का? आया ना कि भाई आपको वहाँ थाने आना पड़ेगा, इस तरह की बात है, आ गया ना? बस अगर अपने आप को तो क्रिमिनल का साथ मत दो। हम पहली बार उससे मिले थे और पहली बार में ही मैंने इसलिए अपने वीडियो में पुट अप किया कि उस बंदे को वहाँ पहुँचना था, वो नहीं पहुँचा। गाइस साथ ही प्रो राइडर के फादर ने प्रो राइडर चैनल पर वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने प्रो राइडर केस से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर की। वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले आता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के। 300 की स्पीड में ये कर लिया वो कर लिया, 300 की स्पीड में अगर दीवार या किसी से टकरा होगा तो हड्डियां उड़िया कहीं दूसरे खेत से लानी पड़ती किसी की। हमने FIR कर दी है 304A 279 और हमें उम्मीद है कि वो 302 में तब्दील हो जाएगी। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन क्या करे, परिवार है, छोटा परिवार है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी देख लेंगे। आप लोग का इतना प्यार मिलता रहेगा तो मैं इस केस को कहाँ तक ले जाऊंगा आप उम्मीद भी नहीं सोच सकते। मेरा बस यही कहना है कि यूपी की पुलिस हमारे को फुल सपोर्ट कर रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि 15 मई को अगस्त्या चौहान की 13वीं है जिसमें उन्होंने प्रो राइडर के सभी फैंस को इनवाइट किया है। 15 तारीख को प्रो राइडर 1000 की 13वीं है। मैं उसका व्हाट्सएप के या यूट्यूब के माध्यम से वो कार्ड दे दूंगा। जो भी उसके प्यारे सब्सक्राइबर्स है, कोई देखना चाहता है उसके लास्ट, वो भी वहाँ आ सकता है। मेरे को खुशी होगी चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, फिर लेते सब सम्मान में। साथ ही उन्होंने बताया कि अगस्त्य चौहान को वो जस्टिस दिला कर रहेंगे। हम यही चाहेंगे कि हमें बच्चे को न्याय दिलाना है। बच्चा खुद गिरा है, उसे गिराया गया है या किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, ये सब एक पहेली है। उन्हें गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं। मौके से दूसरा राइडर साथ, जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ दूसरा राइडर वहां से भाग गया है। अब वो राइडर कौन था वो गवाह बताएगा, कैसे कलर की उसकी बाइक थी वो गवाह बताएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल एलिगेशन में ले रहा हूँ, हमने FIR कर रखी है, अब बाकी काम पुलिस का है। जिसने मेरे बेटे के साथ अन्याय किया
चोट उसको जरूर लगेगी। सब हिसाब किताब यही देना पड़ता है, कोई स्वर्ग कोई नर्क कुछ नहीं होता, जो बीतेगी यही बीतेगी और एक दिन वो जल्दी आएगा, मैं उसका वेट करूंगा, उससे पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही प्रो राइडर यूट्यूब चैनल को उनके फादर ही हैंडल करेंगे 15 तारीख के बाद, उसके ब्लॉग मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, रिएक्शन वाले भी बनेंगे, जैसे मर्जी, कोई सुपर बाइक चलाएगा तो पब्लिक तो देखेगी उसको या आंखें बंद कर लेगी पब्लिक, हाँ ये है बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट सुपर कार निकलती है तो पब्लिक का अट्रैक्शन बन जाता है उसकी तरफ, जो इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही है शीत माई डॉटर, अब ये सुपर कार बाहर जाके देखेगी कोई यहाँ पर, वैसे इनके लिए तो खिलौने है वो, लेकिन देखेगी तो आदमी पलट के देखता है, नाइस कार, सब इज्जत करते हैं, उसको आप छेड़छाड़ी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब इससे ज्यादा दिल बहुत भरा हुआ है, गुस्सा इस कदर भरा हुआ है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। लोग सब निश्चिंत रहें, खुश रहें, जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उसे टॉर्चर किया वो भी खुश रहें, आबाद रहें, और जो उसके प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं चाहे वो साउथ नॉर्थ कहीं के भी हों, डोंट वरी गाइस, मैं और मेरी बेटी इसको कंटिन्यू रखेंगे, आप चिंता ना कीजिए, आपको वैसे ही ब्लॉक मिलते रहेंगे। तो गाइस सभी राइडर को अपने बयान देने के लिए पुलिस बुला रही है और आमिर माजिद नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं ये तो आमिर माजिद को ही पता है, पर सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन और आई विटनेस के बयानों से तो यही लगता है कि इस केस में शायद आमिर माजिद का कोई हाथ ना हो, पर आमिर माजिद का अगस्त्या की फैमिली का साथ ना देना उन पे डाउट क्रिएट कर रहा है। पर एक बात तो श्योर है कि हर किसी को भावनाओं में बहकर अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कौन दोस्त होता है जिसके दोस्त की डेथ हो गई है, बॉडी सड़क पर पड़ी है फिर भी वहां तक एक घंटे के अंदर नहीं जाया गया, जबकि उनकी बाइक 300 की स्पीड तक आराम से चली जाती है। आजकल दोस्ती के मायने बदल गए हैं और लोग जरूरत के हिसाब से दोस्त बनाते हैं। खैर आमिर माजिद दोषी हो या ना हो, पर एक अच्छे दोस्त तो बिल्कुल नहीं थे। और बाकी इस पे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। तो गाइज मैं इस चैनल पर यूट्यूब कम्युनिटी की बहुत सारी न्यूज कवर करता हूं। तो भाई अपडेट रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक।